केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए बजट को लेकर किसानों के बीच सपा के दिव्यांग नेता पंडित समरजीत ने लड्डू खिलाकर अनोखा विरोध जताया। किसानों को बजट में कोई सौगात ना मिलने से खफा होकर केंद्र सरकार के बजट पर अपने गुस्से का इजहार किया। बीकापुर ब्लॉक अंतर्गत पीपरी जलालपुर चौराहे पर गुरुवार को दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत के नेतृत्व में किसान जुटे। किसानों ने कहा कि लड्डू इसलिए बांटे जा रहे हैं कि केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया जा सके। पंडित समरजीत ने कहा कि केंद्र सरकार ने बजट पास करके जनता को गुमराह किया है। उन्होंने कहा कि किसानों, नौजवानों, बेरोजगारों तथा महंगाई के साथ भाजपा सरकार ने बजट में धोखा किया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से लगातार जनता को धोखा देकर पूंजीपतियों को आगे बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि देश के अन्नदाताओं ही नहीं करोड़ों बेरोजगारों तथा मध्यम वर्ग को भी ठगा गया है। मोदी का बजट पास हुआ है, बजट पास हुआ है। आइए आइए मेरे किसान भाइयों, मुँह मीठा करते जाइए, लड्डू खाते जाइए और किसानों को, अन्नदाताओं को झुंझुना पकड़ाने के लिए मोदी सरकार को बधाई देते जाइए, धन्यवाद देते जाइए। जो है केवल उद्योगपतियों को लाभान्वित किया गया है बजट में, ना किसानों के ऊपर ध्यान दिया गया है, ना बेरोजगारी नौजवानों के ऊपर ध्यान दिया गया है, ना महंगाई के ऊपर सरकार ने ध्यान दिया है, ना मध्यम वर्ग लोगों के ऊपर ध्यान दिया गया है। केवल इस बजट में जनता को झुंझुना देने का काम किया गया है और लोगों को गुमराह किया। इस बजट में ऐसा है क्या जो आप विरोध कर रहे हैं? देखिए, इन्होंने हीरे पर छूट दे दिया। बताइए, हीरा कौन खरीद रहा है? हमारे किसान खरीद पाएंगे? हमारे गरीब भाई खरीद पाएंगे? हीरा तो बड़े बड़े उद्योगपति व्यापार करते हैं, उस पर इन्होंने छूट दे दिया है। ना महंगाई पे, ना जितने खाद्य पदार्थ है, ना गैस सिलेंडर पे, किसी पे इन्होंने इस बजट में छूट नहीं दिया है, केवल हीरे पे छूट दिया है। तो हीरा का व्यापार बड़े बड़े व्यापारी उद्योगपति करते हैं, रफ रफपति करते हैं, इस बजट में उन्हों को लाभान्वित करने का। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।